हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतु आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अलग और यूनिक सब्जी। इसका नाम है गुलर की सब्जी, यानी कि क्लस्टर फिक की सब्जी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुलर ले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इनका पानी सुखा दिया है। अब ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, इसे मैं नाइफ की हेल्प से कट करके अलग कर दूंगी और इसे बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। इस तरीके से मैं गुलर को काट लूंगी। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा फल है। ये देखिए, सारे गुलर मैंने काट लिए हैं और इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बर्तन में ऑयल, और ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल दूंगी गुलर। मैं यहाँ सबसे पहले ऑयल में गुलर फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है और गुलर को मैं मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक, यानी जब इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, मैं इसे तब तक फ्राई कर लूंगी। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे फिकस रेसमोसा भी बोलते हैं, गुलर भी बोलते हैं, क्लस्टर फिक भी बोलते हैं और रेड रिवर फिक भी बोलते हैं। ये देखिए, गुलर में हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ फ्लेम को हाई कर लेती हूँ और इसे मैं रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए, इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो गया है। ये देखिए, तो मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूंगी। अब मैंने यहाँ एक अलग बर्तन में फिर से ऑयल लिया है और ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर प्याज को कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर प्याज को बारीक कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पूरी सब्जी के लिए मीडियम साइज के 4 प्याज ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लूंगी। ऑयल भी देखिए गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं ऑयल में मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। जब तक प्याज एक साइड पक रही है, तब तक मैं आपको और स्पाइसेस दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है शाही जीरा 1/2 टीस्पून, 2 लाल खड़ी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 चक्रफूल, 1 टीस्पून जीरा, 2 काली इलायची और 2 हरी इलायची। यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच दालचीनी, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 1 टीस्पून लौंग, और मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 तेज पत्ते। इसे अभी मैं फिलहाल साइड में रख रही हूँ। ये देखिए, प्याज जो है वो हल्की हल्की पक चुकी है, तो इसी में मैं सारे ड्राई स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, उन सारी चीज़ों को मैं ऑयल में डाल दूंगी और इसे चलाकर मैं हल्का सा पका लूंगी। यानी कि जब तक प्याज गोल्डन कलर की नहीं हो जाएगी, मैं प्याज को तब तक पका लूंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्याज जो है वो हल्की हल्की कहीं से गोल्डन हो रही है और कहीं अभी नॉर्मल है। तो अभी मैं इसे और पकाऊंगी। मैंने यहाँ फ्लेम को हाई कर लिया है और मैं इसे हाई फ्लेम पर ही पका लूंगी। अब प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ड्राई स्पाइसेस। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टी स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आप लाल मिर्च पाउडर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, नमक मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, और अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट।
इन सारे मसालों को मैं मिक्स कर दूंगी और इसे मैं हल्का सा भून लूंगी। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर रही हूँ लो और इस मसाले को मैं ढक कर पकाऊंगी। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही ढक कर पका लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ लिड को हटा रही हूँ और ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, यानी कि मसाला जो है वो पक चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गूलर जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए हैं। गूलर और मसाले दोनों ही चीजों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं लो फ्लेम पर फिर से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पर लिड को हटा रही हूँ और गूलर को मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। गूलर अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं पानी उसके अकॉर्डिंग रखें। मैंने यहाँ 1/2 ग्लास पानी लिया है। पानी को भी मैं इस तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं फिर से लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक कर पका लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए गूलर जो है वो पककर रेडी है। गूलर में नमक और लाल मिर्च, ये 2 चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, तो आप इसे अपने टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। तो ये देखिए गूलर की सब्जी बनकर रेडी है। मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर कर दें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए।